जोत का लहराना, दीपक का लहराना, और आप सामने देख रहे हो ये आकृति कैसे लहरा रही है, भभक रही है। दीपक की जोत का बार बार हिलना, भभक कर शांत हो जाना पूजा करते समय, और ये संकेत आपको अगर नवरात्रों में ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। हम दीपक जलाते हैं अपने भगवान को बुलाने के लिए। अग्निदेव को ये वरदान है कि जिस देवता को आप बुलाओगे वो देवता आ जाएगा, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को बुलाया जाता है। इसी तरह से अगर नवरात्रों में आपने दीपक जलाया है, माता रानी को आप बुला रहे हो, तो अगर आपकी आकृति बीच बीच में भभक रही है, हिल रही है, बहुत ऊंची जा रही है, तो इनके अलग अलग संकेत हैं। आपकी आकृति जैसे एकदम छोटी बड़ी लहरा रही है, इसका मतलब आपके घर में ऐसी कोई ऊर्जा है जिसको माता रानी पसंद नहीं कर रही है, ऐसी कोई बुरी चीज़ है जिसको माँ पसंद नहीं कर रही। अगर आपकी जोत अलग अलग भभक रही जैसे ऐसे सामने है, तो इसके कई संकेत होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है तो ये उसको ख़त्म करती है। अगर आपने माता ज्वाला के दर्शन किए हैं तो वहाँ पर जोत ऐसे ही लहराती है, छोटी बड़ी होती है, स्थिर होकर चलती है। इसका मतलब जो नवरात्रों में आपने दीपक जलाया है वो आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। घर में जितनी भी नेगेटिविटी, तंत्र बाधा, बुरी नज़र या आपके अंदर आई हुई कोई ऐसी चीज़ जो आपको हानि पहुंचा रही है, चाहे वो आपके विचार ही क्यों ना हो, मनुष्य ग्रसित रहता है कई चीज़ों से, बुरे विचारों से वो बीमार रहता है, बुरी क्रियाओं से बीमार रहता है, प्रेत बाधा से बीमार रहता है, आसपास की नेगेटिविटी से बीमार रहता है, इससे बहुत लोग ग्रसित रहते हैं। पर जब अगर आपकी नवरात्रि में लो ऐसे चल रही है तो वो सारे संकटों को दूर कहराती हुई निकल रही है। जोत जितनी ज़्यादा लहराती है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। ज्वाला माई शक्ति पीठ है, ऐसा शक्ति पीठ जहाँ पर साक्षात माता विराजमान है। जैसे वहाँ पर नदी का बहाव कर दिया गया था और फिर उस नदी के बहाव से भी माँ के दर्शन हो गए थे, दीपक जल रहा था, उल्टे तवे रख दिए गए थे, फिर भी ज्योत आ गई थी। तो ये ज्योत की महिमा है, जिनकी भी ये आकृति है, जिनके साथ भी दी नवरात्रों में ये घटनाएं हो रही हैं, तो डरना नहीं है। अगर आप माँ को अपना सब कुछ मानते हैं तो उनकी शरण में रहें, कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर अगर आपको अपने दीपक में ये चीज़ें कई बार देखकर, बहुत सारी दीपक की आकृतियाँ देखकर आपको डर लग रहा है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो उस टाइम सदैव आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। नवरात्रों में दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। नवरात्रों में सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में कुछ जो बदलाव हो रहे हैं उनको नोटिस करें। अगर आपको सपने में छोटी कन्या दिख रही है, बूढ़ी औरत दिख रही है, सुंदर स्त्री दिख रही है, शेर दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो सारा संकेत होता है। उस संकेत को समझो, जितनी छोटी कन्या दिखेगी आपको लाभ उतना प्राप्त होगा। अगर बूढ़ी स्त्री दिख रही है, वो कुछ मांग रही है, इसका मतलब आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको माँ दूर कर रही है। आपको दान करना चाहिए उस टाइम पर। अगर आपको शेर दिखता है तो आपके घर के हर कोने कोने में छिपी हुई नेगेटिविटी को भी वो दूर करेगा। नवरात्रों में जितनी शक्तियाँ आती हैं माता रानी की,
उनकी महिमा नहीं कही जा सकती। अगर आपके ज्योत लहरा रही है, भबक रही है, छोटी हो रही है, मंद हो रही है, बड़ी हो रही है, इस विषय पर भी चैनल पर वीडियो है, ज़रूर देखना। बोलो जय माता रानी की।